सो है आर यूर इलस्टेशन आर्टिस्ट वैक्टर आर्टिस्ट और अ डिजिटल आर्ट क्रिएटर और यू क्रिएट एनीमे आर्ट स्टाइल सो दिस वेज गॉर ए वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सो फॉर क्रिएटिंग आर्ट वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है अकॉर्डिंग टू यू या इट्स फेस शेडिंग तो फेस शेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है तुम्हारे आर्ट को एक डेप्थ देने के लिए और एक इम्पैक्टफुल उसमें मतलब बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है सो so, आज की वीडियो में मैं बेसिकली वही तुम लोगों को बताने वाला हूँ लाइक फेस शेडिंग कैसे करते हैं इट्स नॉट अ टूटोरियल सॉरी इट्स नॉट अ टूटोरियल बेसिकली इसमें मैं तुम्हें उससे फेस शेडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा एंड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा लाइक uh, like कैसे तुम अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो एंड uh, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम अपने आर्ट के अंदर एक डेप्थ ला सकते हो एंड उसको पहले ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो बेसिकली इट डजेंट मैटर कि तुम लोग एक प्रोफेशनल हो या फिर तुम एक मतलब न्यू भी हो uh, दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुम मतलब कुछ तुमसे घट जाएगा यू you नो know, कुछ ऐड ही होगा तुम्हारे स्किल्स के अंदर सो मस्ट वॉच दिस वीडियो और जो सीख रहे हैं वो तो पक्का देख रहे हैं वीडियो को ओके okay, सो so, चलो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है सो विदाउट वेस्टिंग एन वो टाइम लैस स्टार्ट दी वीडियो गाय के so, सो यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे सो फेस शेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बेसिकली फ़ेस शेडिंग नहीं जो कलर शेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट एक क्रिएट करती है वो होती है तुम्हारा लाइट सोर्स ठीक है तुम्हें लाइट सोर्स पता करना पड़ेगा अपने आर्टवर्क को मतलब क्रिएट करने से पहले कि लाइक तुम लोग ला मतलब बेसिकल जो लाइट सोर्स है वो कहाँ से डालोगे ठीक है और लाइट सोर्स का पता लगने के बाद तुम्हारे आगे की प्रोसेस होगी कि तुम कहाँ से हाईलाइट दोगे कहाँ से तुम एक मतलब उसमें डेप्थ देने के लिए एक डार्क शेड करोगे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लाइट सोर्स सो लाइट सोर्स डजेंट मतलब तुम्हारे जो इमेज है ओरिजिनल इमेज है उसकी तरह बनाने की जरूरत नहीं है तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सो मस्त नोट दिस पॉइंट फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम्हें अब स्क्रीन पे दो इमेजेस दिखाता हूँ इस साइड की इमेज देख लो यहाँ पे तुम्हें मतलब काफ़ी मेरा काफ़ी नहीं बोल सकता बट थोड़ा सा पुराना आठ वर्क है ये वाला सो so, इसमें तुम लोग देखोगे तो इसमें मैंने हाईलाइट्स और लाइट सोर्स का बेसिकली उतना वो ध्यान नहीं दिया है कि हाँ इस साइड से सा लाइट इस साइड से डार्कनेस डालनी है लाइक like, सेम ही दिख रहा है और एक इस साइड वाली इमेज देख लो जो अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट करी है एंड दोनों में तुम लोग देखोगे कि इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सो यही रहता है कि लाइक तुम लोग एक लाइट सोर्स का पता हो तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ एक क्रिएट होती है नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा लेयरिंग सो so, लेयरिंग देखो लेयरिंग करना एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि लेयरिंग करोगे तभी एक मतलब बेसिकली कलर शेड क्रिएट होगा ठीक है सो so, सबसे पहले मैं तुम्हें लेयरिंग के स्टेप्स स्टेप बता देता हूँ पहला स्टेप रहेगा तुम्हारा बेस कलर फिल करना सो so, उसको तुम पूरे फेस में मतलब पहले जैसे मैं अगर शेडिंग करता हूँ अगर तुम लोग टुटोरियल देखोगे मेरे चैनल पर सो so, मैं पहले फेस एंड ईयर्स को कवर करता हूँ देन नीचे वाला पार्ट जितना भी रहता है उसको करता है सो सबसे पहले फेस का जो मेन कलर है बेसिकली जो बेस कलर है उसको फिल करना है देन नई लेयर लेके उसको एक ब्रश मैंने अब अगर तुम लोग इन्फानट पेंटर में देखते हो सो तो उसमें बेसिकली मैं हार्ड ब्रश या फिर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करता हूँ तो उसकी हेल्प से तुम्हें एक शेड क्रिएट करनी है तुम्हारे सेकेंड लेयर की दैन थर्ड कलर तुम्हें लेना है एंड उससे उससे तुम्हें दोनों साइड पर मतलब एक साइड जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा डालनी है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना है एंड सेकेंड साइड थोड़ा सा कम करना है दैन तुम्हारा फोर्थ कलर जो होगा उसको तुम्हें हार्ड ही रखना है लाइक अगर ज़्यादा तुम्हारे फेस पे वो दिख रहा है दैन उसको तुम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं उसको तुम लोग फेड कर सकते हो या फिर ग्रेडियंट दे सकते हो बट अगर थोड़े से पार्ट में तुम इंक्लूड कर रहे हो जैसे यहाँ पे फोर एड की साइड पे तुम लोग इंक्लूड करोगे सो तो उसको तुम्हें हार्ड ही रखना काफ़ी ज़्यादा सही इंपैक्ट पड़ेगा बाकी ज़्यादा नॉलेज के लिए टूटोरीज देखो चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सही मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है सो नोट दिस पॉइंट ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट पॉइंट सो यहाँ पर एक मिस्टेक है जो काफ़ी ज़्यादा बिगनर करते हैं जो कि होता है हमारा हाईलाइट देना सो हाईलाइट में बेसिकली तुम्हें ध्यान का रखना है तुम्हारी मैं इमेजेस दिखाता हूँ इस साइड की इमेज देख लो यहाँ पे लाइक तुम्हें तुम लोग देखोगे इसमें आइज़ जो है आइज़ मतलब बिल्कुल ब्लैक है लाइक नो हाईलाइट ठीक है और इस साइड देख लो हाईलाइट देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इंपैक्ट पड़ रहा है सो इससे डेप्थ क्रिएट होती है एंड बिगनर जो होते हैं इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को लेकर सो मस्ट नोट दिस पॉइंट और मैंने स्टार्टिंग में करिए बट अभी मेरे को समझ आ गया तो हाईलाइट तो तुम्हें देनी है चाहे वो आइज है फेस है या फिर तुम्हारी आउटफिट है कुछ भी है हाईलाइट देने से काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है भले तुम एक बेस कलर फिल कर रहे हो और एक अपना डार्क डार्क शेड दे रहे हो उसमें और एक हाईलाइट ऐड कर दो काफ़ी ज्यादा सही रहेगा आर्टवर्क ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूज क्लिप एंड मार

चीज होते रहते हैं लाइक फेस शेडिंग में अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तुम देखते हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी सही लग रही है ये लग रही है तो लेयरिंग मतलब मल्टीपल लेयर्स यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मतलब सही रहेगा अगर तुम करोगे एंड क्लिप एंड मास्क भी यूज़ करना है ठीक है एंड दिस लास्ट टिप इज़ फॉर दी कैरिकेचर आर्टिस्ट और एनिमे आर्ट क्रिएटर सो बेसिकली शेडिंग के साथ साथ तुम्हें एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ती है जो कि है तुम्हारी आउटलाइन या फिर स्केचिंग बोल सकते हो सो मोस्ट ऑफ बंदे क्या करते हैं लाइक अगर, अगर तुम एक कैरिकेचर क्रिएट कर रहे हो या फिर एक बेसिकली एनिमे आर्ट क्रिएट कर रहे हो सो उसमें तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है कि लाइक तुम लोग अपने फेस की तरह पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तुम्हें अपने फेस से थोड़ा सा अलग लाइक थोड़ा सा शार्प उसको लुक दे सकते हो या फिर थोड़ा सा राउंडेड लुक दे सकते हो लाइक ऐसा नहीं कि कहीं जॉ लाइन जैसे तुम लोग देखोगे ऐसे होती है तो तुम लोग उसको ऐसे ही क्रिएट करो नहीं ऐसा नहीं करना है तुम लोग उसको जीली मतलब एक शेप देनी डिफाइंड शेप है ठीक है सो दिस वेरी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है सो या दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन कीप प्रैक्टिसिंग टिल दैन टेक केयर बब बाय एंड पीस